इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई विदेशी डेलीगेशन पाकिस्तान आया हो और पाकिस्तान ने कश्मीर का नाम लेकर अपना दुखड़ा ना रोया हो भारत के खिलाफ प्रभागंडा ना गया हो नमस्कार दोस्तों डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आलोक दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान का यह सॉफ्टवेयर आखिर किसने अपडेट किया और क्या वाकई पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी बदल रहा है या इसके पीछे कोई और वजह है सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरमान बिन अब्दुल्ला एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आए थे राष्ट्रपति जरदारी ने सऊदी मिनिस्टर से मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी सऊदी मिनिस्टर प्रिंस फैसल से मुलाकात की लंबी बात की पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल और उनके साथ आए डेलीगेशन से अलग से मुलाकात की यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी प्रिंस फैसल के साथ मीटिंग हुई लेकिन इन मुलाकातों दो दिन तक चली इन लंबी बातों में कहीं भी कभी भी कश्मीर का जिक्र नहीं आया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर और आर्मी चीफ ने भी सऊदी मिनिस्टर के सामने कश्मीर राग नहीं छेड़ा आज के इस विजिट में कश्मीर की बात पाकिस्तान ने नहीं की सो तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान समझ गया है कि कारोबार की बात करें अरब वर्ल्ड के साथ और दुनिया के साथ ये कश्मीर और बाकी चीजों से बाहर निकल ऐसा कैसे हो गया भाई जो पाकिस्तान कुत्ते की दुम से भी ज्यादा टेढ़ा था वह सीधा कैसे हो गया जो पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर को लेकर नौटंकी करता रहता था उसने सऊदी डेलीगेशन के सामने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया तो सवाल उठेंगे ना भाई कि हुआ तो हुआ कैसे दोस्तों इसका जवाब मैं बताता हूं आपको सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरमान बिन अब्दुल्ला पाकिस्तान के लिए सबसे सही मिनिस्टर थे जिनसे कश्मीर मुद्दे पर बात की जा सकती थी उनसे बयान दिलवाया जा सकता था स्टेटमेंट में कश्मीर पर भारत के खिलाफ कुछ लिखवाया जा सकता था उसकी बड़ी वजह भी है आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क में यूएनजीए की अठहत्तरवीं बैठक थी इसमें शामिल होने पहुंचे सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरमान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन की जम्मू कश्मीर पर आयोजित एक मीटिंग में हिस्सा लिया था यह ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है इस बैठक में भारत पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस बैठक में अपनी स्पीच दी थी और उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए एक तरह से भारत पर लगाए गए सभी आरोपों पर अपनी मुहर लगा दी थी इससे पहले 2002 में भी तब के पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी से बातचीत में फैसल ने कश्मीर पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और इसे सऊदी अरब का ट्रेडिशनल सपोर्ट कहा था यानी सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरमान का कश्मीर को लेकर एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट्स देने का रिकॉर्ड रहा है तो भाई पाकिस्तान को और क्या चाहिए था वो बस किसी एक मीटिंग में कश्मीर का राग छेड़ता और फैसल भी हमेशा की तरह शुरू हो जाते लेकिन ऐसा हुआ नहीं ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शेबाज शरीफ की चूड़ियां थोड़ी सी टाइट करती थी आपको याद होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसी महीने की शुरुआत में मक्का गए थे कहने को तो वो उमरा के लिए गए थे लेकिन असल में वो सऊदी अरब से भीख मांगने पहुंचे थे सऊदी प्रिंस ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान पांच बिलियन अमेरिकी डॉलर के इन्वेस्टमेंट का भरोसा भी दिलाया था अभी जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे वो इसी इन्वेस्टमेंट की डील को आगे बढ़ाने की बातचीत के लिए थे तो सऊदी प्रिंस से मुलाकात के दौरान जब फंड की बात हो गई तो शहबाज को लगा कि मौका अच्छा है लगे हाथ भारत की शिकायत भी कर दी जाए तो फौरन कश्मीर कश्मीर का रोने लग गए कहा भारत तो कह रहा है कि वो घुसकर मारेगा लेकिन प्रिंस सलमान ने शहबाज की नोटंकी को सिरे से खारिज कर दिया उन्होंने साफ साफ कहा कि कश्मीर पर सऊदी अरब से नहीं भारत से बातचीत करो कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का है एम के इस सख्त रुख को देखकर शहबाज की सट्टी पिट्टी गुम हो गई ना हंसते बन रहा था न रोते इतना ही नहीं एम ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी कश्मीर वाली बात डलवा दी लिखवाया कि दोनों देशों को कश्मीर विवाद समेत सभी मुद्दों के समाधान के लिए आपस में बात करनी चाहिए कहने का मतलब साफ था कि पाकिस्तान को अब सऊदी अरब के सामने कश्मीर का नाम लेकर रोने की जरूरत नहीं है तो जब शहबाज के सऊदी दौरे के दस दिन बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरमान इस्लामाबाद पहुंचे तो पाकिस्तान के सुर बदले हुए थे यही नहीं लगता तो यह भी भी है कि कि ने फैसल को को अपना स्टैंड साफ कर दिया था कि कश्मीर को लेकर कोई बयानबाजी कोई स्टेटमेंट कोई बातचीत नहीं होगी यह पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज है इसमें सऊदी अरब के विदेश मंत्री और सऊदी डेलीगेशन से हुई बातचीत और आपसी समझौतों के बारे में बताया गया है इसमें पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टमेंट की बात है दोनों देशों की पुरानी दोस्ती की बात है यहां तक कि गाजा पर इसराइल के हमले की बात है लेकिन कश्मीर की बात नहीं है दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन की बात है लेकिन कश्मीर की बात नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ने सऊदी डेलीगेशन के सामने या तो कश्मीर का मुद्दा उठाया नहीं या सऊदी अरब की तरफ से पहले ही कह दिया गया होगा कि भैया कश्मीर का मुद्दा उठाना मत इसीलिए उसने केवल और केवल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात की आज के इस विजिट में कश्मीर की बात पाकिस्तान ने नहीं की सो तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान समझ गया है कि कारोबार की बात करें अरब वर्ल्ड के साथ और दुनिया के साथ ये कश्मीर और बाकी चीजों से बाहर निकले सो तो हम भी वही लाइन ले रहे हैं जो इंडिया लाइन लेता है कि हमने भी सऊदी अरब को और बाकी अरब ममालक को कारोबार के लाइन से देखना शुरू कर दिया जी ये बिल्कुल वही लाइन है जो भारत की है भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को नई धार दी है अब वो पाकिस्तान से जुड़े मसलों को पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट करने भारत में हमला करने जैसे मुद्दों को इंटरनेशनल फोरम में नहीं ले जाता वो आतंकी वारदातों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है कश्मीर पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है बाइलिटरल है द्विपक्षीय है सऊदी अरब ने भी भारत के इसी स्टैंड का साथ दिया था अब जब सऊदी अरब ने एक तरह से भारत का साथ दिया तो पाकिस्तान फंस गया जब सऊदी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए तो उन्होंने कश्मीर की बात न करने में ही भलाई समझी उन्हें लगा होगा कि एमबीएस के बयान के बाद भी अगर उन्होंने कश्मीर का नाम लिया तो जो भीख मिलने वाली है पाकिस्तान को सऊदी अरब से वो भी बंद हो जाएगी हालांकि मैं इस बात की भी गारंटी देता हूं कि भले ही पाकिस्तान ने सऊदी डेलीगेशन से कश्मीर की बात नहीं की लेकिन वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला यानी भले ही पाकिस्तान का सऊदी की तरफ से सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हो लेकिन हार्डवेयर अभी भी वही है वो तो कश्मीर का नाम लेगा खैर पाकिस्तान ने अब तक जिस जिस मंच पर भारत विरोध और कश्मीर को लेकर बयानबाजी की है हर बार उसे भारत की तरफ से करारा जवाब मिला है तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा जाद शेयर करिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की जियो और डिफेंस से जुड़ी खबरें जो हैं वो आप तक मिलती रहें वो भी पूरे सबूतों के साथ जल्दी मिलूँगा एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद